टॉपिक सेकंड, प्रिंट कम्स टू यूरोप। फॉर सेंचुरीज जो हमारा सिल्क और स्पाइसेस है वो चाइना मार्केट से सिल्क रूट के द्वारा यूरोप मार्केट पहुंचता था। पहली बार 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर यूरोप पहुंच गया यही सेम सिल्क रूट से। मार्को पोलो जो है वो चले गए चाइना एक्सप्लोर करने के लिए, पता करने के लिए कि चाइना पेपर या फिर बुक्स कैसे प्रोड्यूस करता है। 1295 में जब मार्को पोलो वापस आए इटली, तब जाके इटालियंस प्रोडक्शन स्टार्ट किए बुक्स का विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक्स। जो हम वुड ब्लॉक्स पढ़े थे ना, जिस पे हम पेपर को रब करके प्रिंट करते थे, उनसे यही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करके इटालियंस अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए बुक्स का। अभी भी लेकिन लग्जरी एडिशंस जो थे वो हैंड रिटन ही थे और बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल पे लिखा जाता था, जिसका नाम था वेलम। जो हमारे मर्चेंट और स्टूडेंट थे वो चीपर प्रिंटेड बुक्स ही खरीदते थे, क्योंकि उनको डेली लाइफ में यूज़ करना होता था। जैसे जैसे बुक्स का डिमांड इंक्रीज हुआ, बुक सेलर्स पूरे यूरोप में बुक्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। स्क्राइब्स या फिर उनको हम स्किल्ड हैंड राइटर्स भी बोलते हैं, उनको अब एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा बुक सेलर्स के द्वारा, क्योंकि बुक सेलर्स उनसे अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखाते थे और बहुत ही ज़्यादा सेल करते थे अपना बुक्स का। लेकिन जो ये प्रोडक्शन था ना हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ये एवर इंक्रीजिंग डिमांड बुक्स का सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इतना ज़्यादा डिमांड था कि ये हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम था। लेकिन अर्ली 15th सेंचुरी तक जो हमारा वुड ब्लॉक्स था ना, उसको वाइडली यूज़ किया जा रहा था पूरे यूरोप में प्रिंट करने के लिए। जैसे कि टेक्सटाइल्स का प्रिंटिंग उसी से होता था, प्लेइंग कार्ड्स का प्रिंटिंग उसी से होता था, रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह का प्रिंटिंग सब वुड ब्लॉक से ही होता था। तो यहाँ पे एक क्लियरली नीड था क्विकर और चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट का। क्योंकि क्विकर इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था हैंड से लिखने में, और चीपर क्योंकि वो हैंड रिटन था तो बहुत ही महंगा होता था। तब जाके एक महापुरुष जो कि जर्मनी से थे, जोहान गुटेनबर्ग, उन्होंने पहली बार डेवलप किया द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s। गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग एक मास्टर गोल्डस्मिथ थे। गोल्डस्मिथ मतलब जो सुंडार होता है। वो क्या करते थे, वो लीड माउल्ड क्रिएट करते थे फॉर मेकिंग ट्रिंकलेट्स। ट्रिंकलेट्स एक टाइप का ज्वेलरी होता है, और माउल्ड मतलब एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाना परमानेंट स्ट्रक्चर से पहले, ताकि हम देख पाएं कि परमानेंट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तब उनका दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम सारे अल्फाबेटिक लेटर्स का माउल्ड बनाएं, मतलब ए का माउल्ड बनाएं, बी का माउल्ड बनाएं, ऐसा करके। गुटेनबर्ग ने अपने सिस्टम को 1448 तक पूरा परफेक्ट कर चुके थे वो। और पहला जो उन्होंने बुक प्रिंट किया था वो था बाइबल, और उनको लगभग 3 साल लग गया था 180 कॉपीज ऑफ बाइबल को प्रिंट करने में। 100 ईयर्स में, मतलब 1450 से लेकर के 1550 तक में, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप में सेटअप हो रहे थे। प्रिंटर्स जर्मनी से ट्रैवल करके अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे, वहाँ पे लोगों को काम मिल रहा था, वहाँ के लोग प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर रहे थे। जैसे ही ये नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बढ़ा ना, बुक्स प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया। 15th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स यूरोप मार्केट में थे। वही 16th सेंचुरी में 200 मिलियन था, मतलब लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। ये जो शिफ्ट हुआ ना हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में, इसे ही हम बोलते हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन। तो आगे हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट।